दोस्तों आप सभी को हमारे पीछे एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इस बरगद के पेड़ पर ढेर सारा कुछ लटका हुआ है काला काला। पहले आप लोग गेस कीजिए ये क्या हो सकते हैं जो उल्टा लटके हुए हैं पूरा पेड़ पर। तो कालू ना बोल हमके, समझ गए? अभी रात को करना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, अभी थोड़ी देर पहले जिम से आए हैं। गुड मॉर्निंग बोल दे लाला। प्रणाम बोल। अरे अब प्रणाम बोलना, क्या गलत बात है? अरे बोलना कृति, अच्छी बात है, बोलना बोल। अरे बोलना जानू, बोलो ना। है बोलते प्रणाम, यह हमारा आम, इसको खरीद लिए हैं, खाएंगे सुबह शाम। गुड मॉर्निंग बोलते दीदी। बोल दे कृति प्रणाम तो प्यार से एकदम। आम नहीं खाएगी आज? अच्छा आज भी टूटा। अच्छा जी हाँ। देखो दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये जो बगीचा है ना, हमारे पिताजी और हमारे बड़े पापा के बेटे जी दो जन ने मिलकर खरीदा है। यानी कि इस सीजन जितना भी आम होगा इस बगीचे में ना, वो हम लोगों का होगा। तो इस बार दोस्तों हम लोग खूब पका आम खाएंगे, खूब मजा आएगा। और ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, पूरा एकदम पंजा में आ जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा। ओए होए, ये पके के खाने में तो एकदम मजा ही मजा आएगा। कह रहे कितनी मजा आएगा ना खाने में इस बार। इसका तो धार रहता है, तोड़ दो ना, गिरेगा जो वो उसको खा लेना, ठीक है? इसको पकने दो, बड़ा होने दो ना कृति। अभी गिरेगी ना कृति तब पता चलेगा। देखो ये जो हमारा घर है और ये जो सामने घर है ना, ये वाला, ये दोनों एक साथ ही बनना स्टार्ट हुआ था। हमारे घर में देखो बहुत काम अधूरा रह गया है, लेकिन इनके घर में देखो सब काम चकाचक हो गया भैया। कहो मीता, तोहर तो प्लस्तर उस्तर हो गई? हो गया साहब। ये कृति कोचिंग जाती है कि नहीं जाती है? जाती। कितना पढ़ाई की कोचिंग में? काम देते हैं। तो काम पूरा करती हो ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी फॉर कैट होता है ना, ठीक। खाना हो गया? हाँ हो गया खाना। गुड मॉर्निंग बोल दे अम्मा। गुड मॉर्निंग अम्मा, खाना निकाल दो ना। ए दादा, ये दीवार कब तोड़ जाए? ये वाला शाम के टाइम। और मिट्टी कब गिरी? धान निकाला जाएगा? क्या खींच रही है? रुकना, खाना खाऊंगा। खाएगी नहीं? खाना खाएगी कि नहीं? बैठ रहा हूँ पगली। लो बैठ गया। यहाँ पर खाओगी धूल उड़ेगा, पूरा खाना खराब हो जाएगा। चलो वहाँ पर गैलरी में खाएंगे। अरे वहाँ पर धूल नहीं जाएगा, यहाँ धूल उड़ेगा, देख रही ना, पूरा चारों तरफ से धूल ही धूल आएगा, समझती बात नहीं को? चल ना लाला, चल गैलरी में। चलो, इसको खटिया बोलेगा। खटिया को नहीं, खटिया वहाँ पर पहले से है। वो देख, वो खटिया नहीं है क्या? वो खटिया नहीं है क्या? वहाँ पर पहले से खटिया है। ठीक है, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, आप वहीं पर चलो ना, ठीक है? दोस्तों मामा खाना लेके आ रहे हैं, अंडा, रोटी, दाल, भात। चावल है ये? चावल है कि भात है? चावल है। चावल से भात बनता है ना? हाँ। ये सोच रही है मैं गलत बोल रहा हूँ? जैसे पिज्जा, पिज्जा लग रहा है। आमलेट रोटी। दोस्तों खाना पीना करके अभी थोड़ा अपने गांव के बगल साइड में आए हैं, लगभग 1 किलोमीटर हो गया यहाँ से। ये ना बड़े पापा के पुत्र जी का पोखर है। ओ देखिए, और महाजन जी बड़े भैया लगे वो हमारे, ये जो ऊपर साइड में है, नीले नीले दिख रहे हैं कपड़े में। और ये देखो उन्हीं को छोड़ने आए थे, ये रहा अपना बाइक। हम लोग ना जिस जाति से बिलोंग करते हैं ना, वो मत्स्य पालन करते हैं। ये सब छोड़िए, अभी मैं आप सभी को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों को एक बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन इस पेड़ पर देखिए काला काला क्या लटका हुआ है, ऐसे पूरे पेड़ पर लटका हुआ है। मैं आप सभी को पूरा चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ, आप कहीं पर भी नजर घुमाएंगे ना, पूरा पेड़ पर चारों तरफ काला काला दिखेगा, पूरा पेड़ पर काला काला लटका हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, कहीं पर भी कैमरा ले जाएं, ये देखो भैया,
कहीं घुमा दे कैमरा, काला काला लटका हुआ। आप लोग पहले बताओ क्या चीज हो सकता है ये? ये सब भाई लोग चमगादड़ है, आप लोग तो पहचान ही गए होंगे शायद। और लेकिन सोचने वाली बात है ना ये कि यहाँ पर देखो ये बरगद का पेड़ है और बगल में भी एक बरगद का पेड़ है और इसके बगल में भी एक बरगद का पेड़ है, लेकिन इसी पर ही पूरा एकदम लटके हुए हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो हमको भी नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा भाई इतना सारा लटके हुए हैं एक ही पेड़ पर क्यों, वो भी इतना मात्रा में। पूरा गिन नहीं पाएंगे हम पूरा अगर गिनना चाहें तो। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम अपने घर पर हैं और ये देखिए ये जो ढेरी है इसमें धान है, तो अभी हम लोग धान निकालने जा रहे हैं। छोटा भाई हाँ? काफी फास्ट निकालता है भाई तू। हाँ, सबसे बैठा था ना तू, इसलिए मैं नहीं काम करता हूँ क्या? एक भी धान छुआ? हाथ दिखा, हाथ दिखा, ये बता, ब्लॉग बनाता हूँ ये नहीं मेहनत है? हाँ, नहीं बता ये। हाँ, बोल दो भाई, हाँ हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, बस इससे आगे क्या? नहीं मतलब ये नहीं मेहनत है, सुबह उठ के कैमरा उठाओ, सुबह से शाम तक कैमरा लेके मुंह से बको, पूरा मुंह दर्द करने लगता है वो। पैसा रखता है, मैं पैसा रखता है, लेकिन ये ना छुपाता है। 60 रुपया खाए भैया, हमसे ज्यादा खर्चा इसका भैया। अरे कहानी की गौआ में नौवा लिखवावा और पढ़ावा, क्या कर दुलावा गौं सदिया जो ना ओ हमार सदिया हुई तो हम सब कही की दुलावा बहुत निक बना। कई कौआ आई के दूध के लगे, कौआ बोल रहा देख लो, मेरा बेइज्जती कर, कौआ बोल रहा मेरे को देख रहे अम्मा। अरे कह जबा, हमें ना हमको कोई नहीं कहेगा कि दूल्हा अच्छा है। अरे कहे नहीं दूल्हा नीक बा, कड़वा लगता है। अच्छा ये बता, अच्छा ये बता, कोई नहीं बोलेगा दूल्हा बहुत अच्छा है? हाँ बोलेगा, मगर मन में गाली भी देगा ना। क्या गाली क्या देगा? गाली दे, कैसा रे दूल्हा तूने पाया, काला कलूटा कहीं का। अच्छा देख रहे मैं काला कलूटा बोल रही, तो कहे जो हमारे घी का लड्डू की अड़े मिल रही। अच्छा अम्मा घर में सबसे नीक के बाय? सबसे नीक कौन है घर में, सही से बताए अम्मा। सबसे नीक घर में कौन है? सबसे नीक हमार बजरंगी, हमार धर्मराज। नीक है सबका, नीक है कलुटवा, नीक तो है। तो कालू ना बोल, हमके समझ गए जैसे वैसे काम पाऊ हम चाहे जैसे ही, लेकिन कालू है तो कालू ना बोल, जान गए ना मार दे। बार बार काला कलूटा बोले थे अम्मा, समझा रहे का? बहुत अच्छा, बड़ा होशियार है ना तू, कालू कलूटा बोल ले बोल ले। जब मंगियो पैसा दे दे बाबू पैसा, तब बताई। हाँ, तो कि बाबू अरे कैमरा पकड़ ले कैमरा, तब बताई। देख ले मैं देख ले, बड़ी दिमाग लगा होता किराया तो लेवे करी। कभी कभी मोबाइल पकड़ लेता है ना तो कहता तो अब कह दिए मोबाइल पकड़े गए तो ना पकड़ा तो कर दिया। एम्मा दीदी के शादी में दहेज में क्या दी थी आप? साइकिल, लेकिन हम साइकिल भी नहीं लेंगे। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और काफी गजब का हवा चल रहा है। डेली पश्चिम तरफ से हवा चलता था, लेकिन आज पूरब दिशा से हवा चल रहा है। गजब ठंड ठंड हवा बह रहा है आज। और दिन में हम लोग डेहरी में से धान निकाले थे तो उसको बोरा में रख के पूरा छल्ली मार दिए यहाँ पर, और हो सकता है कल मिट्टी गिरे तो हम लोग को अभी रात को ही इसको हटाना पड़ेगा। वैसे फिक्स नहीं है कि मिट्टी गिरेगा, लेकिन शायद की बात आ जाती है ना तो अभी क्या ही कर सकते हैं। 3 दिन से शायद कल मिट्टी गिरे, शायद कल मिट्टी गिरे, ऐसा ही चल रहा है, तो शायद कल भी गिर सकता है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं इसको घर के अंदर रख देते हैं, छल्ली उल्ली लगा देते हैं, भैया का पता मिट्टी उट्टी गिरे कल। है अम्मा ये द्वार पर रख देते हैं, ठीक है? ठीक, जय श्री राम। पहला बोरा अभी बहुत सारा है, अभी रात को करना पड़ रहा है सब। ए प्रभु देवानंद, क्या हुआ केवल 2 बचा, 12 गो ढो लिए।
जय श्री राम। लास्ट ताकत घट गया, अरे 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 बच गया, ताकत सब घट गया। जय श्री राम। अरे बाप रे, लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए, थक गया पूरा। अरे बाप रे, पूरा गर्मी गर्मी हो गया। अल्लाह मुंह में घुसिर दे। दोस्तों हम तो नहा वाले बिस्तर पर आ गए मच्छरदानी के अंदर और चल रहे हैं सोने। काफी ज्यादा धान वन ढोए थे, लगभग 14 बोरा था, थोड़ा बहुत थक गए हैं और पूरा एकदम गर्मी से भीग गए थे। तो हम तो चल रहे हैं सोने और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।